बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं राना शाहजहाँ, आप देख रहे हैं जानिशा फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं चिकन दम बिरयानी, बिल्कुल सिंपल अंदाज से और शॉर्टकट तरीके से। इसका इंशाल्लाह आज मज़ा आ जाएगा। 3 पाव हमने यहाँ पर चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। आप ये वो चीज़ें जो आज की रेसिपी इस्तेमाल करेंगे। 1.5 पाव टमाटर लिए छिलका उतार कर हमने। चलिए शुरू करते हैं, बाकी तफसील बनाते वक्त बताते हैं। 2 चम्मच ये खाने वाले ऑयल ऐड करेंगे एक कढ़ाई में। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गए, इसमें प्याज बड़ा करेंगे आज कटिंग करके इसका। गोल्डन करेंगे, प्याज हमारा इस पोजीशन पे आ गया है। अभी इसमें 3 पाव चिकन ऐड कर देंगे। और 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन हमारा इस पोजीशन पे आ गया। अभी इसमें 8 कड़ी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट तक इसकी बनाई करेंगे। फ्लेम हमारा तेज ही है। नमक ऐड कर देंगे। अभी इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन को पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी इसमें 10-12 दाने इमली का ऐड कर देंगे। अभी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। एक नेशनल बिरयानी में बैटर मसाला ऐड कर देंगे इसमें। हल्की सी बनाई करने के बाद फैटा हुआ दही ऐड कर देंगे इसमें एक प्याली। दो तीन मिनट तक इसको पकाएंगे दही ऐड करने के बाद। फ्लेम हाई रखेंगे, अच्छी तरह बनाई होगी है। अभी इसमें 1.5 पाव टमाटर ऐड कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे लो, ऊपर रख देंगे ढकना और 30 मिनट के लिए ऊपर ढकना रख दें ताकि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएं और गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। पोजीशन पे आ गई है। 2 मिनट तक इसको बनाई करेंगे, इसकी फ्लेम को तेज़ कर देंगे। देखिए सर, फ्लेम को करते हैं बंद। अब चलते हैं स्टेप 2 चावल की तरफ। मान रहे हैं, एक पतीले में हमने 10 गिलास पानी आ रही है अंदाजन। अभी इसमें पानी को हम गर्म कर रहे हैं, इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। ये देख ले, पानी उबल रहा हमारा।
बीस में एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें इस तरीके से, इससे हमारा चावल आपस में जुड़ेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। यहाँ पर हमने पौना घंटे पहले 3 गिलास चावल भिगो के रखे हुए हैं, कच्चे चावल है, कायनात के चावल हैं ये, ठीक है। एक चम्मच ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी हमारा उबल चुका है यहाँ पर, अभी इसमें चावल ऐड कर देंगे, फ्लेम हमारा आई है, ठीक है, इसको करेंगे। अभी हमारे चावल एक पोजीशन पे आ गए हैं, जब चावल एक कनी पे रह जाएगा तो हम इसको निचोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमारा चावल तैयार हो गया, उबल चुका है। चलते हैं स्टेप टू, कैसे इसकी तह लगाएंगे सालन की, प्याज है, बस इस तरीके से धनिया पुदीना इसमें डालेंगे, कटा हुआ नींबू भी, एक गोश्त की तह हमने नीचे भी लगाई है और चावल डाले हैं, उस तरीके से फिर इसमें नींबू पुदीना ऐड कर देंगे। रंग ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, ऊपर ढकना रख देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है, ये बहुत मज़ेदार बनती है। अब इसको जरूर ट्राई करें, अभी इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। बिल्कुल इसकी अलग अलग है, बहुत बनती है। यहाँ पर हमने इसको डिश आउट कर लिया, आप इसको जरूर ट्राई करें, काट लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने दोस्तों शेयर करें। हमारा पकाने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल रियल तरीके से पकाते हैं हम लोग, इसकी हड्डी तक जड़ तक मसाला जाए, कच्चा नहीं जाए। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं, इसको रहते के साथ ट्राई करेंगे। अभी हम आपको बोटी तोड़ के दिखाते हैं इसकी, ये देखें माशाल्लाह जड़ तक मसाला इसके गया हुआ है, कच्चे बच्चे का भाईजान सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।